तुम यहाँ क्या कर रही हो कल्याणी? सब पता, देखो मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हें नहीं पता है पिल्लू क्या खाता है, कैसे खाता है, उसका खाना कैसे बनाया जाता है, इसलिए प्लीज संपदा सिर्फ कुछ दिन मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। ये खिचड़ी है जो पिल्लू खाता है, ये खिचड़ी इतनी पतली रहती है और इसमें एक भी दाना नहीं रहता, तो पिल्लू आसानी से खा सकता है और डाइजेस्ट। तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैं अपने बच्चे के लिए ऐसी खिचड़ी बना ही नहीं सकती, है ना? ये क्या है? मिक्सर। ये क्या है? खिचड़ी। मैं अच्छे से इस खिचड़ी को इसमें पीसूंगी और मोक्ष भी उसे आसानी से खा पाएगा। स्मार्ट आइडिया संपदा, देख के अच्छा लगा, तुम भी पिल्लू का ख्याल रख सकते हो, है ना? तो अब क्या पुरस्कार दोगी मुझे? चेहरा क्या दिख रही हो मेरे यहाँ? चली जाओ यहाँ से। संपदा, अरे ये मिक्सर का प्लग किसने निकाल के रखा? और कौन कर सकता है? कल्याणी। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे क्यों शोर मचा रही हो? क्या हो गया? क्या है ये सब? देखो मल्लार, ये सब कल्याणी ने किया है। क्यों उस पे इल्जाम लगा रही हो तुम? वो क्या कमरे में बैठे जादू टोना कर रही है तुम पे? मेरे कहा ना, ये कल्याणी ने किया है, उससे पूछ। कल्याणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम्हें खबरदार जो कल्याणी पे इल्जाम लगाया। लेकिन मल्हार जी, संपदा जो कह रही है वो सच है, ये सब मैंने ही किया है। क्या? लेकिन तुमने ये सब क्यों किया कल्याणी? अरे इससे क्या पूछ रहे हो, मैं बताती हूँ। ये मोक्ष के लिए खिचड़ी बनाकर लाई थी, लेकिन जब इसने देखा कि मैं अपने मोक्ष के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, खिचड़ी बना रही हूँ, उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया और उसने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो, छोड़ो से। दूरा जाओ। रुक जाओ। कल्याणी, ये क्या कर रही हो तुम? कल्याण, क्या करो? तीखा पानी, पानी, पानी। इसीलिए किया था मैंने ये सब। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने आके खिचड़ी चख ली, तुम्हारी बनाई हुई खिचड़ी। इतनी तीखी खिचड़ी खिलाती तो मेरे मोक्ष को। हो गई मुझसे गलती, उसमें क्या है? और वैसे भी मैं तुम्हारी तरह इस घर की नौकरानी थोड़ी ना हूँ जिससे इतना सब कुछ करने को आता हो। मैंने कम से कम कोशिश तो की है मेरे बच्चे के लिए, अपने बच्चे के प्यार के लिए इतनी मेहनत की है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया मल्हार? बहुत मेहनत की है ना संपदा तुमने। तो फिर ये बिल कौन सा है? इस पे तो लिखा है कि साई लीला होटल से आज यहाँ एक दाल खिचड़ी मंगाई थी। साफ करो ये सब। मैं नौकरानी नहीं हूँ यहाँ की। संपदा। मल्हार जी, Thank you.
संपदा, देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन पिल्लू की खातिर हम दोनों के बीच जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है ना, वो हमें भूल जाने चाहिए। देखो संपदा, पिल्लू के लिए, सिर्फ पिल्लू के लिए मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद करने दो प्लीज, कुछ दिन। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है वकील मैं क्या कह रहा हूँ? सुन रहे हो ना तुम? मोक्ष को मल्हार से अलग करो ताकि संपदा मेरी जिंदगी में वापस आए, फिर चाहे उसके लिए जितना पैसा लगता है ना उतना लगाओ, मुझे संपदा मेरी जिंदगी में वापस चाहिए, समझे? हाँ बेहतर। अथर्व, अरे संपू ये भी कोई रोमांस करने का वक्त है? अथर्व, अरे छी, क्या ये? क्या ये मेरे पर कहीं मोक्ष की? क्या बोल रहे हो तुम? खिचड़ी है ये, खिचड़ी। अरे बिगाड़ा लग रही हो तुम। अथर्व, तुमसे जुदा होने के बावजूद मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हें उसकी पड़ी नहीं है और इसकी पड़ी है, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे संपू, संपू मजाक कर रहा हूँ। उलटो। अरे मैं प्यार तो तुम ही से करता हूँ ना। हाँ फिर चाहे तुम इस वाड़े की मालकिन हो या वाड़े के बाहर बैठी भिखारन, प्यार से तुमसे मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बच्चा चाहिए और मुझे उस इंसान के साथ नहीं रहना, समझे तुम? मैं समझ रहा हूँ संपू, मैं समझ रहा हूँ। तुम मेरी जिंदगी में पूरी तरह वापस जरूर होगी, बस जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा तुम करती जाओ बस। आखिरी है बस, इसके बाद खत्म खत्म। ओ खत्म हो गया। आई एनर्गे मलाजी बोलो। मल्हार जी एक बात कहूँ? देखिए आप संपदा पे ऐसे गुस्सा मत हुआ करिए, वो जैसी है सच यही है कि आप उसे पिल्लू के साथ रहना है और आप के कल्याणी संपदा की तरफदारी करना तुम बंद करोगी? पर मल्हार जी अरे ओ राणे फैमिली, ये लवी डबी गुटरगू हो गया हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? ये मोक्ष को खिलाने का राशन मेरे हिस्से से क्यों लिया जा रहा है? हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की मेरे घर का अनाज इस्तेमाल करने की? क्या हुआ, जवाब नहीं है? कल्याणी राणे इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी, चल। हाँ, अथर्व, हाथ छोड़ो मेरा। अथर्व, मैंने कहा हाथ छोड़ो। चल, अथर्व। खबरदार जो कल्याणी को हाथ लगाया तो। लगाया हाथ? और हाथ लगाया तो क्या करोगे? मारोगे? मारोगे तुम? हमारे सामने खड़ा हूं, मारो। अरे उठाओ ना हाथ। अरे क्या हुआ, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? कानून के हाथ बन चुके हैं क्या? अरे सुनाई नहीं दे रहा, मारो। अरे मारो ना मल्हार जी, अथर्व दूर हटो। अरे मारो मल्हार राणे, नहीं मारोगे, नहीं मारोगे। अपनी हद में क्या दादागिरी चल रही है यहाँ? मेरी बीवी तुम्हारी भी, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी बीवी, शादी में आयो क्या? हा? मैं भी देखता हूँ कि दो औरतों के पल्लू में बैठ के ना कैसे मर्दानगी दिखाते हो। मारो, अरे मारो, मैं बोल रहा हूँ। मल्हार जी नहीं, मल्हार जी एक मिनट, मल्हार जी अच्छा देखो मैं हाथ छोड़ी तुम्हारे सामने। अथर्व प्लीज प्लीज मल्हार जी को मत मारो। अथर्व देखो तुम इतने लंबे चौड़े हो, प्रोटीन खा खा के तो तुम्हारे मसल्स बार भूख के आ रहे हैं। अथर्व प्लीज, अथर्व प्लीज मल्हार जी को मत मारो। देखो अगर तुमने उन्हें एक मुक्का भी मारा ना तो वो बेचारे दर्द के मारे चार दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाएंगे। कल्याणी दिमाग खराब हो गया, पीछे हटो। अरे मल्हार जी रुकिए ना, मैं इमोशनल हूँ अभी, दिख नहीं रहा है आपको? देखो अथर्व प्लीज मत मारना। ओ हेलो, कैसी लगी तुम्हें मेरी एक्टिंग? ओ कैमरामैन रुको, चलो चलो ना चलो। कल्याणी बताओ कैसी लगी मेरी एक्टिंग? हाँ
थोड़ा और इमोशन चाहिए था क्या तुम्हें? वैसे एक बात बताऊं संपदा, जब मैं बहुत फीलिंग्स में आ जाती हूँ ना, मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ। हाँ, अरे मैं एक्ट्रेस बन सकती हूँ। मल्हार जी, ये दोनों आपको जानबूझ के उकसाना चाहते थे ताकि जब आप मारपीट करें अग्रेसिव हो जाए, ये आपका वीडियो बनाए और फिर आपके खिलाफ कोर्ट में दे, ताकि कोर्ट ये कह दे कि आपके गुस्से की वजह से आप संपदा और पिल्लू के लायक नहीं है और पिल्लू की कस्टडी सिर्फ संपदा को मिल जाए। यही प्लान था ना तुम दोनों का, है ना? बस संपदा, बस बहुत हो गया, अब तो छोड़ दो ना ये सब। मिल गया ना तुम्हें पिल्लू, अब बस पिल्लू के लिए एक अच्छी माँ बनने की कोशिश करो और पिल्लू के लिए तुम्हें मल्हार जी के साथ रहना होगा। I'm sorry माधुरी, I'm really sorry। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई माधुरी, कैसे हो गई? पता नहीं कौन से मनोज घड़ी थी वो, जब कल्याणी की जिम्मेदारी अनुप्रिया को सौंपने का ख्याल मेरे मन में आया, उस औरत ने हमारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। माधुरी, क्या थी कल्याणी और अब क्या बन गई? सब सर, मैं जानता हूं आप कल्याणी से बहुत नफरत करती हैं, पर उसे विश्वास जब बुरी नहीं है मेरी कल्याणी, बुरी नहीं है। मैं जानता हूं ना अपने बच्चे को। मल्हार और अनुप्रिया ने उसके मन में जहर घोल दिया है। कल्याणी पहले ऐसे नहीं थी। अतुल, हमारा खून खराब हो ही नहीं सकता, खून में मिलावट हो सकती है लेकिन मिलावट वाला खून शुद्ध भी तो किया जा सकता है ना। तुम्हारी बच्ची अब पुरानी कल्याणी नहीं हो सकती, अब उसके लिए रिश्ता खत्म करना होगा। कल्याणी को मोक्ष और मल्हार से हमेशा के लिए दूर ले जाना होगा। भले ही कल्याणी और मल्हार का रिश्ता टूट गया, लेकिन अगर कल्याणी मोक्ष के आसपास रहेगी तो उनके बीच में एक बेनाम सा रिश्ता बना रहेगा, और कल्याणी का रिश्ता टूट जाने के बाद कल्याणी को अनुप्रिया से भी दूर करना होगा, और यह आसान नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कल्याणी और अनुप्रिया के बीच का रिश्ता ज्यादा गहरा है। आई आई डांटो मुझे। किस बात के लिए? आई बस मुझे जोर से डांटो। अरे पागल हो गई हो क्या, ऐसे बिना बात के कैसे डांटू? हाँ आई, बिना रीजन के मुझे डांटो जोर से। कल्याणी तुम क्या कह रही हो ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, बस गुस्सा करो, डांटो मुझे। अरे पागल हो गई हो क्या तुम, मैंने कहा ना मुझे समझ में नहीं आ रहा और बहुत सारे काम पड़े। आई ये ठीक था, हाँ ठीक है आ रही हो तुम, लेकिन इसमें इफेक्ट नहीं था। थोड़ा और जोर से और गुस्से से डांटो, ऐसे डांटो जैसे ना मेरी रूह कांप उठे, और फिर मुझे ऐसे घूर घूर के देखना जैसे तुम अभी मुझे कच्चा खा जाओगी। और फिर ना डांटने के साथ साथ ये भी कहना, कल्याणी क्या हो रहा है ये सब? हाँ चलो डांटो। कब जाएगा तुम्हारा ये बचपना? कल्याणी
समझ में नहीं आता क्या? एक बार कहा मैंने, क्या लगा के रखा है? डांटो डांटो डांटो, हाँ दुनिया भर के काम पड़े हैं मेरे पास, तुम्हारे साथ ये खेल खेलने के लिए ना बिल्कुल वक्त नहीं है। इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती? फाइनली हाँ, चलो अब जाके ना मेरा खाना हजम होगा। मतलब मल्हार जी की डांट खाए बगैर मेरा खाना हजम ही नहीं होता है। अरे हर रोज खाने से पहले मुझे डांट पड़ती है, चाहे कोई रीजन हो या ना हो मुझे डांट पड़ती है। थी अब कहाँ डांट पड़ेगी मुझे? भगवान, ऐसा कैसे कोई रो सकता है? मैं बचपन में बिल्कुल ऐसी नहीं थी। सो जा प्लीज सो जा। ये कल्याणी ने ना इसे बिगाड़ के रखा है। क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ। हाँ मैं वो कल्याणी का सॉन्ग गाती हूँ। हाँ ये तो सोएगा ना तू? हाँ सोएगा ना? हाँ कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। सो जा के सब मिलना है रब का इशारा मानो। सो जा सो जा प्लीज सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया हर किसी के लिए। तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो। मुझको बनाया तेरी जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे। इससे हजार गुना अच्छा तो मैं गा रही थी, ये तो कौवे जैसी आवाज में गा रही है। ऐसे ही हम दोनों बाप बेटे, कौवे की आवाज वाली हमें चलाक कोई उससे ज्यादा पसंद है। और मैं नीचे नहीं सो सकती। और अगर तुम सोच भी रहे हो ना कि तुम इस बिस्तर पे मेरे साथ सोगे तो मैं तो मल्हार गाएंगी तो कहां से प्यार की ताबे बनेंगी? जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला।